Very good morning, everyone. Today I am going to start the next part of electric field intensity. Right? Yesterday we talked about the electric field due to the sun point and electric field due to the ring disk. Okay? कल आपको मैं बता रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रिंग के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं. कल मैंने आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर में क्या होती है. अगर किसी भी रिंग रेडियस डिक्रीज कर रही है और डिस्टेंस बिटवीन आपकी अगर दूसरी वाली जो चार्ज है जो फिक्स चार्ज दे रखा है वो दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस को इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से फॉलो करती है. मैंने कल आपको बता रखा था इस चीज में. ये जो आज की जो क्लास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. अब हम यहां पे एक बात समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई नई टॉपिक नहीं है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम किसी बुक में भी दे भी नहीं रखा है, ठीक है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कुछ न्यूमेरिकल दे रखा है तो हम लोग न्यूमेरिकल के पर्पज से हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. ओके इस पे हम लोग बात करेंगे. अभी तक जो भी मैं बात कर रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं, ठीक है. यहां पे एक बात समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए दो वेरिएशन मैंने आपको बता रखा था, फिर बता रहा हूं. और आज वाली जो वेरिएशन है आज ये क्लोज करेंगे. पहली जो वेरिएशन है कौन सी था? कूलम्स लॉ पे था. दूसरी जो वेरिएशन है गॉस लॉ पे, गॉस थ्योरम पे बात करेंगे हम लोग. गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस लॉ क्या होती है, ठीक है. अभी तक जो भी हम लोग चार्ज के बारे में बात किए हैं, पॉइंट चार्ज के बारे में बात किए हैं, यूनिट चार्ज के बारे में बात किए हैं, फिक्स चार्ज के बारे में बात किए हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंड्स करती है कूलम्स लॉ पे. क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ में प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस होती है. ये प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हुआ था, ठीक है. ये मैं बात किया था, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट वाली जो बात करेंगे गॉस लॉ पे, गॉस लॉ भी सिर्फ आप इस चीज को नॉर्म सुन के रखिए. हम जब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब हम बात करेंगे गॉस लॉ क्या है, गॉस थ्योरम क्या है. जितने भी क्लासेस अभी चली है आपको, ठीक है, देखिए आपकी अब बुक के अनुसार से बहुत ही कम है, ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज है, वेक्टर फॉर्म है, उसी की फॉर्म है. फिर कूलम्स लॉ पे आ गया, फिर कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म पे है, मल्टीपल चार्जेस है. फिर क्या आ गया था आपको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जस्ट दे रखा है बुक में किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. अब आप ये देखो पांच टॉपिक है लेकिन हम लोग कितनी बात कर चुके हैं, तो यहां पे डिफरेंस आई है, ठीक है. आपको कंपटीशन के व्यू से यह समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले ये आपको एनसीईआरटी भी नहीं दिया है तो इस पे न्यूमेरिकल बनाना है सर. तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, ठीक है. सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहा जाता है ये समझना है. अब हम एक बात समझिए पहले कि आपके पास एक चार्ज दे रखा है, कोई भी गिविंग चार्ज है, ये चार्ज से कोई एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है. बात समझिएगा, आराम से समझिए. ये चार्ज जिसे एक लाइन निकलती है, एक लाइन इंड्यूस करती है, वह कैसी लाइन है? वह जो है इमेजिनरी लाइन है. मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कि एक प्रॉपर्टीज है, चार्ज से एक लाइन इमिट करती है, ठीक है. वह कैसी लाइन है? वह इमेजिनरी लाइन है सर. वह चार्ज कौन सा होगा? वह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड की ओर जाएगा, अगर निगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड की ओर. बात तो बराबर ही है. हम यहां पे क्वेश्चंस ये भी बनाए कि कितना चार्ज लाइन्स निकलता है, बात करेंगे हम लोग, बहुत सारी बात करने के हैं, ठीक है. तो अब देखिए यहां से चार्ज से एक लाइन निकल रही है. अब देखो सपोज मैं एक काम करता हूं कि यहां पर मैं एक चार्ज को रखता हूं
और ये चार्ज के बीच में कोई भी डिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रही है, अगर ये दोनों के बीच में यहां पे कोई भी फोर्स मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि इसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण यही हो सकता है कि ये फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब जब फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी कहां से? तो जब भी किसी चार्ज से एक इमेजिनरी लाइन बाहर की ओर निकलती है और अपनी सराउंडिंग में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मैंने आपको दो क्लास बताया, उस फोर्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द चार्ज फ्रॉम द चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स अराउंड द चार्ज, अराउंड द सराउंडिंग, ठीक है, उसकी सराउंडिंग में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड वी मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, कितना ज्यादा रिपल्सर होगा, कितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो उस स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ। क्या होता है? यह स्ट्रेंथ होता है। याद इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के से इसको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम एक बार एग्जांपल फिर समझें, अगर हम यहां पे पॉइंट चार्ज लेते हैं, अगर जैसे जैसे वेंट टू बी क्लोजर टुवर्ड द चार्ज, अगर ये चार्ज को इसके नजदीक लाते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा। अगर मेरे पास ये पॉजिटिव है, सपोज देखिए एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये वाली पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होगा और ये वाली रेंज में मेरा मिल जाएगा तो इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव होगा इसको अट्रैक्ट करेगा। आखिर यहां पर क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसकी रेंज नहीं जा रही थी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर नहीं जा रही थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतना नहीं था, लेकिन इस स्ट्रेंथ में आ गया तो अगर दोनों हमारा नेगेटिव है तो लोग अट्रैक्ट करेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव है रिपेल अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को हम स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? तो यहां पे कैसे बोल सकते हो आप, कैसे हम बात करेंगे, बात समझिएगा। ये तो हम थ्योरी से समझ रही है, अगर मैथमेटिक्स के आधार पे हम बात करते हैं, फॉर्मूला के आधार पे बात करते हैं, तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज का। जितना ज्यादा चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी उतना ज्यादा फोर्स इंड्यूस करेगा। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? ये फर्स्ट पॉइंट है भाई। दूसरी पॉइंट है कि सर जितना ज्यादा फोर्स हमें बाहर निकलेगा इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा बाहर होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बाहर होगा। अगर ये चार्ज से जितना लाइन निकलेगी उतना फोर्स इंड्यूस होगा और जितना फोर्स बाहर की ओर इंड्यूस करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये दोनों की फॉर्मूला को हम वेरिएशन देखते हैं। एफ इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट क्यू इंटू ई, ये फॉर्मूला निकल गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी एक यूनिट चार्ज के द्वारा किसी दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, तो सर कितना लग रहा है, उसकी चार्ज कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये बात समझ। अब देखिए, अब यहां पे सपोज ये वाली स्पेस एरिया हमारा एयर मीडियम का है, ये स्पेस हमारा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये स्पेस हमारा फ्री परमिटिविटी है हमारा। तो अगर हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो K इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? F इज इक्वल टू Q इंटू E। क्लियर? बस समझ आ गई आपको? ये निकला क्या है? ये निकला फोर्स। निकालना है क्या? निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू
E is equal to force upon charge. Force upon charge. क्लियर हो गया? अब हम ये कर सकते हैं, अब हम लोग ये कर सकते हैं इस फॉर्मूला पे, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए यहां से डेफिनेशन में आके आया है, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, एक फोर्स लग रहा है किसी भी चार्ज पे, यूनिट चार्ज पे। कैसी चार्ज पे? तो सर ये यूनिट चार्ज पे। तो बताइए कि उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यहां पे हम Q इज इक्वल टू 1 लेते हैं, क्योंकि मैं लिख रहा हूं पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, तो क्या यहां ऐसा नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स? हुआ या नहीं हुआ? देख लीजिए वहां पे हुआ या नहीं हुआ आपको। तो मैं तो पहले भी बोला था आपको कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर भी बात तो वही आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। तो ये डिफाइन कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहेंगे? फोर्स अपॉन चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन से एज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बात तो सारी क्लियर हो रही है, क्लियर हो गया यहां से। अब आ जाइए अगर यूनिट की बात करते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। अब हम ये बात करेंगे इसकी यूनिट क्या होगा, तो देख लीजिए यहां पे एस आई यूनिट, फोर्स का क्या होगा न्यूटन, इसका क्या होगा चार्ज, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट हुआ यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हुआ। क्लियर हो गया आपको? इसकी यूनिट, एक और यूनिट होता है, एक और होता है पोटेंशियल के रूप में लेंगे हम लोग, तो क्या होगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, यह भी यूनिट होगा इस। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया यहां से? चलिए ठीक है, तो ये चीज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात है। अब हम लोग ये बात करेंगे, अब हम लोग कुछ फॉर्मूला के आधार लिख लिए सर, सब लिख लिए चीज को, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला के आधार पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हो गया, अगर सपोज यहां पे कोई चार्ज है 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 10 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो F इज इक्वल टू E अपॉन क्यू, E इज इक्वल टू, अभी मैं बोला था आपको F इंटू क्यू क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट में, F की वैल्यू दे रखा है, क्यू की वैल्यू दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकाल सकते हो। अब एक बात समझो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज मेरे पास एक चार्ज है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है समझ लिया, एक चार्ज है यहां से ठीक है, अब यहां से क्या कर रहा है एक है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स निकल रही है, एक और निकल रही है, एक और निकल रही है, ये नेगेटिव बात है, क्वेश्चन है लेकिन थ्योरी पे है, और इस प्रकार से निकला। अब मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ E1 बाय E2 इज इक्वल टू 5/3, व्हाट डू यू मीन दैट, क्या होता है इसका मतलब, ये क्या है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 by E2 is equal to 5/3। मैंने आंसर दे दिया आपको, या फिर अगर आंसर दे दिया तो आप समझिए क्या इसका मतलब, यहां पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E1 और E2 का, कैसे फाइंड कीजिएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे फाइंड कीजिए हम, तो आपको देखना है ये वाली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वन है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड टू है। इलेक्ट्रिक फील्ड वन क्यों कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक ही में चार्ज है, जब एक चार्ज है तो एक ही की बात करेंगे हम, दोनों की बात नहीं करेंगे, दोनों की बात होगा तो हमारा फोर्स ना हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स ना हो गया, एक की बात करेंगे हम। अब देखो ई वन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना है, एक दो तीन चार पांच, क्या मैं ये लिख सकता हूं ई वन पे फाइव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ई टू पे कितना है, ई टू पे आया कितना, एक दो तीन, सिर्फ तीन आया ना, तो नहीं लिख सकता हूं कि इसमें थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बताइए, ठीक है। अगर हमारे दूसरा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन बताने का मतलब यह है कि हम लोग धीरे धीरे गॉस लॉ पे आ गए, ठीक है। गॉस लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में होंगे, न्यूमेरिकल की बात सारी चल रही है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप देखोगे इस चीज को, अगर हम यहां बात करते हैं, सपोज ये हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स ऐसा दे रखा है, ओके। यहां पे एक हमारे पास चार्ज है, दूसरा चार्ज हमारे पास यहां पे है, पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बताइए दोनों चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका ज्यादा है, क्या होगा बताइए मेरे को। अब आपको लग रहा होगा करेक्ट कैसे करें, फॉर्मूला भी नहीं है, डायग्राम है, ये चीज समझना है आपको, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है आपको, आराम से क्या करना, पहले ये वाली बात हो रही है, एक एक डिस्क लीजिए, एक एरिया लीजिए और इस एरिया को सेम एरिया के साथ यहां ले लीजिए, जितना एरिया यह है उतना ही एरिया यह भी है, दोनों की एरिया सेम है। आप क्या देख रहे हो, इस एरिया की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना जा रहा है, एक दो तीन चार पांच, लेकिन यहां बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दो तीन जा रही, एरिया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। इसका मतलब है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वन हुआ, ये आपके टू हुआ, तो हम कह सकते हैं ई वन इज ग्रेटर देन, जिस एरिया में जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा। क्या है आपको याद है ये फॉर्मूला, क्लास टेंथ में भी पढ़े होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्निंग ऑफ वायर, स्टूडेंट वाइड जब बताया गया होगा आपको, फिर आने वाली है, जितना ज्यादा वायर को लपेटोगे, जितना ज्यादा वायर को टर्निंग करोगे, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहां पे वायर क्या है, यहां बहुत ही क्लोज है, यहां पे क्या है डिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट को लिखना होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वन अपॉन सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इंक्रीज कर रहा है तो सेपरेशन घटेगा, तो ये बात समझना होगा आपको, यहां पे ध्यान रखना होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है ज्यादा जा रहा है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। अगर आप बाइक वर्बली समझते हैं तो देखिए, यहां पे जितना ज्यादा टेंशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा कवर करेगा, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, स्मॉल एरिया के, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा उतना ज्यादा इसकी इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा इसको आप ध्यान ही रखिएगा, है ना। एसी वर्मा वगैरह के क्वेश्चन आप बनाते रहिए, उसमें क्वेश्चन ये दे रखा है। ओके, और मैं देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ये क्वेश्चंस क्या है, अप्रूव
दे रखा है आपको, हर जगह मिलेगा, लेकिन वो टॉपिक नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत सारी टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कोर्सेस मिलेगा। अब हम लोग कोर्सेस को देखने के पहले हम लोग कोर्सेस के स्टेप को समझते हैं, कोर्सेस कैसे बनाए जाए। जैसे देखिए आपके पास दो चार्ज दे रखा है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव निगेटिव, आप कुछ भी ले हो यार। हमेशा आप आइडेंटिफाइड मत करो कि सर हमेशा आप यही चीज लेते हो, कुछ भी ले सकते हो। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम एक्स लेते हैं, ठीक है, एक्स लेते हैं, ये भी डिस्टेंस लेते हैं, एक्स लेते हैं, ओके। अब क्या बात आने वाली है कि सर यहां पे कौन सी पॉइंट पे, कौन सी प्लेस पे, कौन सी जगह पे हम तीसरा चार्ज को लेंगे, ए बी, ए बी, ये सी नंबर है, डिफरेंट चार्ज है। ये वाली चार्ज को हम किस पॉइंट पे रखेंगे कि उस कंडीशन में, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये है, पूछा क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट वेयर द अनदर चार्ज कैप्ट बिटवीन, कैप्ट बिटवीन द टू चार्जेस। ये क्वेश्चन है कि ये वाले चार्ज को हम कहां रखें, किस पॉइंट पे रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, किस पॉइंट पे रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। ये बात करना आ रही है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग बैक की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। ये वाला ने फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो एफ ए अपॉन बी हुआ, ये वाली चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाएगा एफ बी अपॉन ए। अब बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव है, फिर फोर्स कैसे लगाएंगे? तो चलो मैं एक बात करता हूं कि ये वाला आपको करने से ये इधर की ओर भागेगा तो जरूर, आखिर भागा कैसे, भागा कौन है, आगे की ओर कौन गया है, बी गया, किसके टाइम गया, ए का टाइम गया। चलो ये वाली कंडीशन में हम इधर की ओर बात करते हैं तो एफ ए अपॉन बी ये तो जरूर अट्रैक्ट करेगा, इधर की ओर आ जाएगा एफ बी अपॉन ए। अगर इस कंडीशन की हम बात करते हैं तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी हो जाएगा। अगर इस चीज को हम एफ ए बी इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ बी ए ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? ये भी बात बराबर, ये भी बात बराबर। तो ये दोनों से करने का मतलब क्या हो गया, इट इज इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, जितना ये आगे की ओर जा रहा है उतना ही ये भागे, जितना ये आगे जा रहा है उतना ये पीछे की ओर आ रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। जब फोर्स हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो भी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। फोर्स की बात करेंगे तो बिटवीन टू चार्जेस की बात आएगी, इसकी बात करेंगे बिटवीन एक चार्ज की बात आएगी। मैं भी पढ़ किसके बारे में रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कब होगा, किस पॉइंट पे, इसका मतलब है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा। तो यहां अगर इसकी फॉर्मूला लिखते हैं क्या आता है, के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये आपको आ गया, ये के से के कैंसिल हुआ है यहां से, आपको ये रेडियस एक उधर की ओर गया, ये रेडियस बी इधर की ओर आया। अब आप क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए, यहां पे है कि टोटल लेंथ हमारा, टोटल यहां से यहां तक की लेंथ अगर मैं नॉर्मल मान लेता हूं कि एल लेंथ है, तो पूछ रहा है कि सी वाले पॉइंट को हम किस पोजीशन पे रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा जीरो होगा। अब ये सोचना है कि अगर हम मानते हैं यहां पे इफ चार्ज ए जो है
ए जो है एक्स यहां से एक्स लेंथ पर रख सकते हैं, नॉर्मल मान रहे हैं कि चार्ज ए से एक्स की ओर रखेंगे, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा, टोटल लेंथ माइनस एक्स। अगर हम चार्ज ए से एक्स की ओर रखें, एक्स कहां पता नहीं, यहां तक भी एक्स हो सकता है, एक्स यहां भी हो सकता है, तो बी वाला किसे हम कितना दूर पर रख सकते हैं, तो टोटल माइनस एक्स, अगर वो एक्स पर रख ही दिया है तो टोटल एन था, तो एन माइनस एक्स कर देंगे तो हम इतना दूर पे रखेंगे, तो हमसे तुम इतना दूर पे रहो, इससे तुम उतना दूर पे रहो, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगा। कभी ये मत सोचिएगा मिडिल पॉइंट पे ये क्या होगा, हमसे एक्स डिस्टेंस पे और क्यू बी जो है उससे टोटल माइनस एक्स। आ जाइए हम बात करते हैं फॉर्मूला की, फॉर्मूला की बात करेंगे इसी चीज पे, तो हम क्या लिख सकते हैं के क्यू ए अपॉन इसकी रेडियस क्या हो जाएगा, माने हम एक्स स्क्वायर, एक्स माने इज इक्वल टू के क्यू बी डिवाइड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल हुआ, बचा क्या बच्चों यहां पे, क्यू ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल गया, इससे आप फाइंड कर सकते हो, इससे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, किसी भी किसी प्लेस पे अगर बात करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यहां से आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो रही है, हम इधर की ओर साफ करता हूं, मैं आपको क्वेश्चन लेके बताता हूं, क्वेश्चन लेके हम लोग बात करेंगे सर क्वेश्चन पे कैसे बनेगा। आ जाइए, देख लीजिए, मैं इसी चीज को ले रहा हूं, सपोज ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, और ये वाला कितना चार्ज हो गया आपको, ये मैं ले लेता हूं 20 माइक्रोकूलम चार्ज, 5 माइक्रोकूलम है 20 माइक्रोकूलम है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस में लेता हूं 2 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस लेता हूं 2 मीटर। अब आप बताओ कि हम तीसरा वाले चार्ज को कहां पे रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, क्या करेंगे, आ जाइए फॉर्मूला पे, क्यू ए ये फॉर्मूला है आपका, 5 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई कितना हम इसका माने हैं लेंथ एक्स इज इक्वल टू यहां पे कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई कितना हो गया एल कितना है टोटल लेंथ कितना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम गया 5 4 20 गया, बचा मेरे पास क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों लिखे, इजी लिखे, अगर हम इसको भी स्क्वायर कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचा मेरे पास क्या 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 2 माइनस एक्स क्या होगा 2x, ये आएगा x इज इक्वल टू 2 क्या होगा 3x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 बाई 3। मतलब ये हुआ क्यू ए से 2 बाई 3 डिस्टेंस में आपको चार्ज को रखना होगा। सर अगर हम इसको इतना डिस्टेंस पे रखेंगे, इतने डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्यू बी भी तो इक्वल कंडीशन पे होना चाहिए, तो बात करेंगे हम निकालेंगे क्यू बी का, एल कितना है मेरे पास, एल माइनस कितना था, एल माइनस एक्स था, तो हम क्या करेंगे एल कितना 2, एक्स कितना आया 2 बाई 3, कितना हो गया यहां से 3, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 2, ये कितना आ गया 4 बाई 3। ये कहां से रखना है, तो क्यू बी से रखना है 4 बाई 3 पे, ये क्यू बी है, यहां से होगा 4 बाई 3 पे, ये बोला होगा
कितना 2/3 आप कैसे कर सकते हो बाबू यहां निकल चुका है तो सर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है या नहीं चेक तो कीजिए आप चेक करेंगे हम चेक करेंगे 2/3 प्लस 4/2 कितना आया 3 ऊपर कितना हुआ 6 कितना हो गया 2 दो ही डिस्टेंस था बात तो इतना ही था 2 मीटर ने प्रूव कर दिया नहीं कर दिया 2 इज इक्वल टू 2 क्या 0 नहीं हो गया कैंडिडेट 0 नहीं हो गया ना प्रूफ तो यहां से आप इस चीज को फाइंड कर सकते क्लियर हो गया यहां से आप इस चीज को फाइंड कर सकते हो दूसरी बात है अब आपको इंटेंसिटी तो 0 निकल गया तो पूछेगा पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कब होगा तो आप क्यू ए से 2/3 पे रखोगे तो 2 0 हो सकता है और क्यू बी से 4/3 पे रखोगे तो 0 होगा जल्दी से लिखो एक क्वेश्चन और लेंगे जल्दी बनाइए एक क्वेश्चन यहां दिया बनाइए अपने से बनाइए इस क्वेश्चन को ठीक है सोचिए यहां पे 2 चार्ज दे रखा है एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है ठीक है एक क्वेश्चन और भी हम लोग ले रहे हैं दूसरा क्वेश्चन पे डालेंगे हम लोग यहां पे 25 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये जो है 36 माइक्रोकूलम चार्ज है दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 11 सेंटीमीटर है ये आप एच डब्ल्यू में करेंगे क्लियर हो गया इसको मैं बनाकर बता देता हूं बनाकर बता रहा हूं क्या फॉर्मूला था क्यू ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर यही था ना क्यू ए कितना है 16 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी कितना है माइनस 9 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई एल कितना है 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब मैं आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड हमेशा लेना है चार्ज नहीं लेना है तो माइनस 2 लेंगे आप इसको मोड में डालो तो फिर मेरे पास कितना बन गया ये 9 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स इस प्रकार मैं साइन लेने के लिए मैं उस टाइम भी बताया था कि पॉइंट चार्ज को हमेशा आपको नेगेटिव पे लिखना है अब देखो मैक्रो कूलम से मैक्रो कूलम गया क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया बचा मेरे पास क्या है बच्चों 3x इज इक्वल टू 8 4 का कितना हो गया 32 माइनस 4x क्या आ गया मेरे पास यहां पे 7x इज इक्वल टू 32 यहां पे आ गया x इक्वल टू 32/7 बस समझे अब हम निकालेंगे क्यू बी से ये कहां गया क्यू ए से रखना है इतना डिस्टेंस में क्यू बी तो L माइनस एक्स करेंगे हम L कितना है 8 माइनस 32/7 यही है ना अब हम एलसीएम लेंगे 7 अब यहां से क्या हो जाएगा 7 8 कितना 56 माइनस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 7 क्लियर हो गया ये क्यू बी से रखेंगे हम इतना डिस्टेंस पे क्यू ए से रखेंगे इतना डिस्टेंस ये क्यू बी है हम रखेंगे इसको ये तो क्यू ए में ज्यादा बढ़ गया है क्यू ए ज्यादा बढ़ गया है तो ये हो गया 32/7 ये हो गया 24/7 अब चेक करेंगे इंटेंसिटी 0 है या नहीं है क्या करेंगे हम 32/7 प्लस 24/7 एलसीएम लेंगे 7 ऊपर में हो जाएगा 32 प्लस 24 56/7 8 कितना होता है 56 आ गया 8 आ गया इसका मतलब है कि दोनों का डिस्टेंस एग्जैक्ट मेरे बराबर हो रही है टोटल लेंथ मेरा 8 था और उसके बीच में इतना डिस्टेंस में रखे हैं तो मेरा इंटेंसिटी क्या गया 0 हो गया क्लियर हो गया ये आप कल होमवर्क बनाएंगे इस चीज को नोट करेंगे ठीक है एक एच डब्ल्यू में और लिखिए आप सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है और यहां पे क्यू वन है ये क्यू टू है ये सी हो गया यहां पे ए हो गया और इधर की ओर एक बी चार्ज है
ये समझ में आ गया, यहां समझ लिया थोड़ा, और यहां समझ लिया आपको एच डब्ल्यू में है, ये तो आपको प्रूफ हो गया। एक ट्रायंगल लीजिए, तीन कॉर्नर है लेकिन एक लेंथ बाहर निकला हुआ है। अब ये बी वाले पर भी यहां से यहां तक के डिस्टेंस 0.05 मीटर है। पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी, तीनों प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन कंपटीशन का है, बनाइएगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा। बस बन आ रही है, और आज की जो क्लासेस है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको दे रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहां होता है, हमेशा आप ये माइंड मेकअप किए हुए हो कि मिडिल पॉइंट पे होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम बात करेंगे दोनों की मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होगी, अगर 16 माइक्रोकूलम या 16 ये भी है तो भी मिड पॉइंट पे होगी। अगर चार्ज डिफरेंट है, चार्ज की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चंस आपका कंपटीशन में था, और ये बात ध्यान रखिएगा कि एचसीबी का 42, 43, 45, 47, 35, 34, 23, 17, 14 ये क्वेश्चंस को आप जरूर बनाइएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत ही हर जगह पूछता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एनसीईआरटी का 8 नंबर क्वेश्चंस, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस बनाएंगे आप। और इस सिस्टम में जो सॉल्यूशंस इसका है, मैं नोट्स भी नीचे में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहां से आप निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और भी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हमेशा ही इसको नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस, ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, बनाते रहिए। Thank you.